पेश है बीकानेर जिले की खास खबरें। बीकानेर रानीसर बास में नूरानी मस्जिद के पास चिकित्सक दल के साथ दुर्व्यवहार की बातें सामने आई। सूचना मिलते ही सीओ सदर पवन भदौरिया, जीआरपी सीओ महेंद्र सिंह, सदर थानाधिकारी महावीर प्रसाद बिश्नोई मौके पर पहुंचे। सदर पुलिस को डॉक्टर समीर ने बताया कि पुरानी मस्जिद रानीसर के पास डोर टू डोर सर्वे हेतु टीम भिजवाई गई। मोहल्ले के लगभग 50 लोगों ने सर्वे का विरोध किया। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले की सीमा पर स्थित गांवों के लोगों को खेत जाने से रोकने पर विवाद की स्थिति बन गई थी। इस बीच बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को सुलझाया। दरअसल श्रीगंगानगर जिले के दूरस्थ कस्बे रावला के कुछ गांव बीकानेर की सीमा से सटे हैं। यहां नाकाबंदी के दौरान खेतों में जाने वाले लोगों को सीमा क्षेत्र का हवाला देकर रोका जा रहा था। सूचना पर खाजूवाला एसडीएम संदीप काकड़, तहसीलदार विनोद बिश्नोई, सीआई विक्रम चौहान सहित श्रीगंगानगर के भी अनेक अधिकारी पहुंचे और कुछ आवश्यक कार्यों की राहत देते हुए सबको शांत किया। बीकानेर गोगा गेट सर्किल पर पतंग के मांझे की चपेट में आने से एक महिला कर्मचारी चोटिल हो गई। एडीएम कार्यालय में एलडीसी पद पर कार्यरत पूजा चौहान गंगा शहर जाते हुए चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। उनके चेहरे पर कट लग गया और वह बेसुध हो गई। मौके पर तैनात हेड कांस्टेबल अनिल यादव ने अपने वाहन के जरिए महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। महिला के चेहरे पर 5 टांके आए हैं। महिला कर्मचारी ने पुलिसकर्मी का धन्यवाद दिया। बीकानेर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती इस बार घरों में ही मनाई गई। लोगों ने घरों पर बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद हटीला ने बताया कि लॉकडाउन के चलते घरों में सादगी पूर्व बाबा साहेब को याद किया गया। बीकानेर कोरोना संकट के बीच सड़कों पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के जामांझों का वार्ड नंबर 71 में लोगों ने फूलों से स्वागत किया। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रेमाराम परमार, सीओ सिटी सुभाष शर्मा, सीओ खाजूवाला देवानंद, थानाधिकारी धर्म पूनिया और नवनीत धारीवाल सहित अनेक जवान और सफाई कर्मचारी जब वार्ड में गुजरे तो छतों से लोगों ने फूल बरसाए। बीकानेर कोरोना को लेकर जारी सरकारी आदेश को नहीं मानने पर कनिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया गया। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय आर्य समाज के कनिष्ठ सहायक बजरंग लाल को सस्पेंड किया। उनका मुख्यालय अब जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर रहेगा। बीकानेर लॉकडाउन को लेकर आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों में आज गुस्सा देखने को मिला। दरअसल बिजली के बिल ऑनलाइन भरवाने के लिए वैन घरों के आगे आ गई। लोगों ने कहा कि फिलहाल कईयों के सामने रोजी रोटी का संकट है। व्यास कॉलोनी मूर्ति सर्किल में पार्षद मनोज बिश्नोई, पार्षद चेतना चौधरी और पूर्व पार्षद शिवरी चौधरी आदि ने एक बारगी वैन संचालक को वापस जाने के लिए कहा। बीकानेर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सुस्वाणी माता ट्रस्ट मंदिर के पदाधिकारी आगे आए हैं। आज 700 पैकेट सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिषेक सुराना, भाजपा नेता मोहन सुराना, पार्षद सुमन छाछेड़ सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।